नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। और हम रीजनिंग सीख रहे थे चैप्टर रैंकिंग से, और रैंकिंग का पार्ट वन बना देने के बाद अब मैं पार्ट टू पर आ गया हूँ, जिसमें कुछ और अच्छे सवाल हम करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। तो आज हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर चलते हैं, नेक्स्ट सेशन पर चलते हैं, वीडियो में बात करते हैं रैंकिंग के सवालों की। पहला सवाल, और आप ये भी देखना कि ट्रिक्स कैसे काम करेगी, जल्दी से जल्दी काम कैसे हो। रीजनिंग में ये भी देखना है हमें कि क्या होगा, लेकिन ये भी देखना है क्या नहीं होगा। और अगर जहाँ पर आपको उत्तर दे दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन दे दिए जाते हैं, वहाँ पर हमारा काम आसान हो जाता है। ऑप्शन ही क्वेश्चन को आसान बनाते हैं, और ऑप्शन ही क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड भी बना देते हैं। कई बार ऑप्शन देखकर ही मुझे ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि मुझे काम किस तरह से करना पड़ता है। कहने का मतलब, क्वेश्चन की प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगा कि मेरा आंसर क्या होगा। तो रीजनिंग कभी भी छोटे दिमाग से नहीं हो सकती, इसके लिए नैरो माइंड की आवश्यकता नहीं है, ब्रॉड माइंड चाहिए। लॉजिकल पार्ट ज़्यादा है, अप्रोच वर्क ज़्यादा है, काम क्या पूछा गया और आप कर क्या रहे हैं, इस पर भी आप फोकस करें। जल्दी से जल्दी हमें सवाल निकालना है, और जहाँ तक हो सके कंसेप्ट और ट्रिक दोनों का सारा हम लेंगे। कंसेप्ट इज़ पावर, कंसेप्ट ज़रूर आना चाहिए। तो मैं कंसेप्ट ही बताता हूँ, क्यों का जवाब भी देता हूँ, ऐसा क्यों है। खैर, आज हम पहले सवाल पर आते हैं। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को एंड तक देखिए, एग्ज़ाम में आपको बड़ा ही फायदा होगा इससे। पहला सवाल, एक पंक्ति में मुकेश का क्रमांक दोनों ओर से आठवां है। दोनों ओर का मतलब दोनों छोर, मैंने आपको बताया बायां दायां, आगे पीछे ऊपर नीचे, तीन तरह के कंसेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। ये कहता है कि एक पंक्ति में मुकेश का क्रमांक दोनों ओर से ही आठवां है, यानी बाएं से भी आठवां है और दाएं से भी आठवां है। जब एक ही व्यक्ति का, केवल एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान बता दिया जाए, तो दोनों स्थान को जोड़कर एक घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि बाएं से भी मैं स्थान जोड़ रहा हूं जो बताया गया, दाएं से भी बता रहा हूं जो बताया गया, दोनों जोड़ने पर दो स्थान जुड़ गए एक ही आदमी के। तो एक हम माइनस करते हैं, और जब हमसे कुल निकालने के लिए कहता है तो हम बायां स्थान प्लस दायां स्थान माइनस वन करते ही हैं। ये मैंने ट्रिक में बता दिया। और जब सवाल सीधा सीधा ऐसे आ जाए कि बाईं ओर से भी आठवां, दाईं ओर से भी आठवां, आठ और आठ सोलह, माइनस एक किया, उत्तर आ गया पंद्रह। समझा देता हूँ कंसेप्ट से भी। ये लाइन है, यही पक्ष हमारा बायां है, आगे भी यही है और ऊपर भी यही है, तीनों चीज़ें। और यहाँ पर हमारा नीचे, बायां का दायां और आगे का पीछे, लाइन यही है। इसी लाइन पर सारे लोग होंगे, इसी लाइन पर बायां दायां पक्ष छोर दोनों तरफ किस तरीके की पोजिशनिंग होगी, वो सब हम यहीं देखेंगे। तो कहता है मुकेश का क्रमांक दोनों ओर से, इधर से भी आठवां आता है और इधर से भी आठवां आता है, दोनों तरफ से आठवां है, इधर से भी आठवां है, इधर से भी आठवां है। और मैं क्या करता हूं, इसका मतलब ये है कि इधर सात लोग हैं, इधर से आठवां होने का मतलब सात लोग हैं उधर, और इधर से आठवां होने का मतलब सात लोग इधर हैं। तो सात और सात कितने हो गए? चौदह। ये तो मुकेश के इधर और इधर हैं, सात और सात चौदह, और एक ये मुकेश खुद कितना हो गया? पंद्रह। या फिर आप यूं कर सकते हैं कि एक साइड से आठ गिन ले, एक साइड से सात गिन ले, क्योंकि हमने इधर से आठ गिन लिया, इधर से सात गिन लिया, मुकेश को एक बार ही काउंट किया, इसलिए आठ और सात पंद्रह। या फिर इधर से आठ गिन लीजिए, इधर सात गिन लीजिए, आठ और सात पंद्रह। और या फिर आप नहीं कर सकते तो दोनों स्थान बाएं से आठवां, दाएं से आठवां, ये लीजिए, दोनों को जोड़ने पर उत्तर आएगा सोलह। माइनस एक करेंगे क्योंकि दो बार जुड़ गया मुकेश, इधर से भी आठवें में जुड़ गया, इधर से भी आठवें में जुड़ गया, एक कम करेंगे तभी सही हमारी रैंकिंग आएगी, कुल सही तरीके से हम बता सकेंगे, उत्तर आएगा आपका पंद्रह। तो दोस्तों, इस तरह से सवाल था, बड़ा आसान सवाल था, बड़ा इजी कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। देखें, कक्षा 8A में
राज का स्थान सातवां है। एक लड़का है राज, और क्लास 8A में, वर्ग 8A, क्लास 8A में सातवां स्थान है। जब उसे 8B में रखा जाता है तो वह 11वें पोजिशनिंग पे होता है, 11वें नंबर पे पाया जाता है क्लास में। फिर उसे 8C में बदल कर रखा जाता है तो वह 9वें नंबर पर होता है। एक ही क्लास में या अलग अलग क्लास में कई बार एक ही छात्र का स्थान बदल बदल कर बताया जाता है। एक बार उसे किसी क्लास में रखा तो किसी और नंबर पे था, फिर दूसरी क्लास में उसको भेजा गया, सेक्शन चेंज किया गया उसका ए से बी में, तो किसी और नंबर पे था, सी में किसी और नंबर पे था। पूछ लिया जाता है कक्षा में राज का स्थान बताइए। तो अगर ऐसे सवाल आपके सामने आ जाए जिसमें क्लासेस चेंज हो रही हैं और हर क्लास में उस व्यक्ति का स्थान अलग अलग आ रहा है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि 8A में कितना है, 7 जोड़ दीजिए। उसने बताया होगा सारा काम, इस तरीके से बताया है, बताते ही आपको क्या करना है, 8वीं में पहले स्थान क्या है, 8A में क्या है, 7वां। फिर जब उसे 8B में रखा जाता है तो कितने नंबर पर मिलता है, 11वां। जोड़ दीजिए, सारे ही जोड़ने हैं, प्लस फिर उसे 8C में रखा जाता है तो 9। अब क्या करना है कि ये कितनी क्लासेस के, हो सकता है एक और क्लास दे देता। आपको अभी 3 क्लासेस के स्थान बताए गए हैं, 8A, 8B, 8C, 3 में बताए गए हैं, और वो मैंने लिख लिया, 8A में ये था, बी में ये, सी में ये। अब आपको स्थान पूछ लिया जाए तो आप जोड़ दें, 11 और 9, 20 और 7, 27। ये तो था आंसर। लेकिन आप देखें, इसमें तो हर बार राज जो है, 8A में भी राज का स्थान था, 8B में भी, और 8C में भी। राज आपने 3 बार जोड़ दिया, और जुड़ना कितनी बार चाहिए, 1 बार। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। -2 का मतलब 2 क्लासेस का स्थान घटाना पड़ेगा, एक एक नंबर पे वो और ऐड हो गया, इस सातवें में भी ऐड हो गया, इस 11वें में भी ऐड हो गया, और इस 9 में भी ऐड हो गया। मुझे ऐड 1 बार ही करना है, और वो हो गया 3 बार, तो मैंने -2 बार कर दिया इसको, उत्तर आ गया 25 बार। ये इसका आंसर था। अलग अलग क्लासेस में अलग अलग स्थान जुड़ने के बाद आपको सिर्फ एक क्लास में उसका स्थान रखना है, बाकी की क्लासेस जितनी भी बताई गई हैं सारी उसमें से माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब, 5 क्लासों में स्थान बताया, सारे जोड़ दीजिए, 4 घटा दीजिए, क्योंकि एक क्लास में आपको स्थान रखना है। यहाँ पे उसने मुझे 3 क्लासेस के स्थान दिए, मुझे 2 के घटाने हैं, 1 का रखना है। उत्तर आपका बिल्कुल सही आएगा। अगले सवाल पर चलेंगे हम। अगले सवाल में चलेंगे, किसी कतार में ए का स्थान आगे से 18वां है, ये लीजिए। और सबसे बड़ी बात, मैंने यहाँ ऑप्शन रखे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन देखकर मुझे ये पता लगाना है 45, 46, 47, 48। 45 से नीचे उत्तर ही नहीं आएगा। अगर 44, 43, 42 उत्तर में जा सकता हो, लेकिन उसने आपको ऑप्शन ही नहीं दिए। तो कई बार ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि मैं काम कैसे करूं। तो किसी कतार में मुझे कुल लोग नहीं बताए गए हैं, कतार में स्थान है बाएं से बताया गया है, कतार में ए का स्थान आगे से 18वां है। ए का स्थान क्या है, आगे से 18वां है। आगे का मतलब यही है, मैंने आपको बता दिया। जबकि बी का स्थान पीछे से 16वां है। अब वो पीछे से 16 इतनी दूर तक रहेगा, और नज़दीक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, या इसको इधर 17 लोगों में मिलेगा, पता नहीं है। पहली बात तो ये। फिर वो कहता है सी का स्थान आगे से 24वां है। सी का स्थान आगे से कितना है, 24वां है। तो इधर से सी कहीं 24वें नंबर पर है, कौन, सी। कहने का मतलब सी 24 नंबर पर है, ए आगे से 18 नंबर पर है, और वो कहता है बी का स्थान पीछे से 16वां है। यदि का सी का स्थान आगे से 24वां, और वह ए और बी के बीच में है। सी कहाँ है, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में कहाँ मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन उत्तर कितना बताया है मुझे, 45, 46, 47, 48, और मैं आगे से चलकर 24 तक आ गया हूँ। और वो कहता है पीछे से 16वां है सी। 26 और 16 कितने होते हैं, 40, यानी कि
अंदर की तरफ तो नहीं ला सकता मैं उसे, अंदर लाऊंगा तो उत्तर कम पे आ जाएगा मेरा, 24 ये 16 में भी और घट जाएगा क्योंकि इधर आ जाएगा। कहने का मतलब मुझे सी को दूर रखना पड़ेगा, सॉरी बी को दूर रखना पड़ेगा और ए और बी के बीच में भी रखना पड़ेगा सी को। यदि सी का स्थान आगे से 24वां है, सी आगे से 24वां है और बी का स्थान पीछे से 16वां है, दूर रखना पड़ेगा मुझे। और पहली बात 18 और 6 24 होता है, बीच में लोग कितने होंगे 5, याद रखना इस बात को। मैंने कहा था आपको कि ए 18 पर है, सी 24 पे, यानी ए से 5 स्थान आगे है या 6 स्थान छठे स्थान पर है, 6 स्थान आगे है और बीच में कितने लोग मिलेंगे आपको 5 मिलेंगे। जितने स्थान की छलांग लगाई जाती है किसी स्थान पर पहुंचने के लिए, उससे एक कम करने पर हमें बीच के लोग पता चल जाते हैं। ए और सी के बीच में कितने हैं 5 लोग हैं, और बी ए और सी के बीच में है, सॉरी सी ए और बी के बीच में है तो बी को हम रखेंगे दूर, बी यहाँ रखेंगे कहीं इधर से 16 नंबर पर। और मुझे ये पता है सी दोनों के बीच में रहना चाहिए, दोनों के बीच में मतलब 18, 6, 24 और 6, 30। यहाँ 30वें नंबर पर है। बाएं से अगर मैं जिक्र करूँ बी का तो बाएं से कितने नंबर पे आ जाएगा, वो 30वें नंबर पे इसलिए आ जाएगा क्योंकि 18 के बाद 6, 24 और 6, 30, और ये बीच में रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच 5 लोग हैं, तो इन दोनों के बीच भी 5 लोग होंगे, होने ही चाहिए, तभी ये कंसेप्ट कवर होगा आपका, तभी इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और कहने का मतलब इधर ये जब दोनों लोगों के मुझे स्थान पता लग गए, बी का इधर से 16वां स्थान है, इधर से 30वां स्थान है, उत्तर वही आ जाएगा, अब उसी प्रकार से आएगा जैसे मैंने बताया, एक ही पंक्ति में दो लोगों के स्थान पता हो, 30 और 16 कितने हो गए 46, लेकिन एक माइनस होगा क्योंकि 30 पर भी बी जुड़ रहा है और 16 पर भी बी जुड़ रहा है। कहने का मतलब कंसेप्ट इतना आसान है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो उत्तर बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। और उत्तर की डिमांड जो थी वो 45 या 45 से ऊपर की है, उत्तर क्या आएगा मेरा यहाँ पे 45। ए का स्थान इधर से 18वां, बी का उधर से 16वां, सी का आगे से 24वां, और सी जो है ए और बी के बीच में रहेगा, ए और बी के बीच में रहेगा तो ए इधर रहेगा, बी इधर ही रहेगा, और 18, 6, 24 तो बराबर स्थान के लिए उतना ही आगे बढ़ा देते हैं, 30 पर आएगा आगे से बी, पीछे से वो कह रहा है 16 पर है, 30 और 16 46 हो गए, बी दो बार जुड़ गया, माइनस एक किया, 30 प्लस 16 माइनस 1 बराबर 45। दोस्तों अब और सवाल करते हैं, हम और अच्छे सवाल देखते हैं, क्या कंसेप्ट उस पर लगेंगे, किस तरह से काम करें। काम बड़ा आसान रहता है, देखिए बात वही बन जाती है अंत में जाकर, लेकिन पहले कुछ काम अंडरस्टैंडिंग का है, कंसेप्ट को जचाने का है, सजाने का है, समझने का है, उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाकी के सवाल देखते हैं। तो दोस्तों दो सवाल और मैं लेकर आया हूं, उसके बाद और भी सवाल करेंगे, सेशन बढ़ता रहेगा, क्वेश्चन बनते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। अब उन सवालों के बाद और सवाल ये है कि मोहन प्रताप का स्थान अपनी कक्षा में प्रारंभ से 13वां यानी आगे से शुरुआत से और अंतिम से 17वां है। कहने का मतलब यदि एक ही व्यक्ति का जिसका नाम मोहन प्रताप है और उसका अपनी कक्षा में स्थान प्रारंभ से तो 13वां है और अंतिम से 17वां है, दोनों को मिलाकर जब एक ही आदमी का स्थान दोनों तरफ से बताया जाए, बता रहा है वो 13 और उधर से 17, जोड़ने पर कितना हो गया 30 माइनस 1, क्लास में अभी तक लोग कितने हैं 29 हैं। अगर मुझे पूछ लिया जाता क्लास में कितने लोग थे तो मैं कहता 29, क्योंकि मोहन प्रताप का स्थान आगे से 13वां और पीछे से 17वां है, दोनों को जोड़ देंगे माइनस 1 कर देंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा जो कि आया 29। लेकिन अभी काम खत्म यहाँ नहीं हुआ है, कुछ बढ़ाया है काम उसने। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, कक्षा में तो लोग 29 थे लेकिन जब वो उन्होंने परीक्षा दी तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में उसका स्थान प्रारंभ से 8वां और अंत से 13वां,
एक बार तो जब एग्ज़ाम नहीं दिया था टोटल लोग बैठे थे तब की बात है 29 कुल लोग। फिर वो कहता है परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद कुछ उत्तीर्ण हुए होंगे कुछ अनुत्तीर्ण हुए होंगे, तो उत्तीर्ण हुए में उसका स्थान था प्रारंभ से तो 8वां, आगे से 8वां या ऊपर से 8वां या बाएं से 8वां और अंतिम से उसका 13वां। 18 और 13 21 माइनस 1 कर देंगे तो 20, यानी कि उत्तीर्ण कुल लोग हुए 20 और कुल लोग थे इतने। अब आपसे पूछ लिया जाए बताइए अनुत्तीर्ण लोग कितने थे, अनुत्तीर्ण लोग कितने थे, तो मुझे पता है कुल लोग 20 थे, उत्तीर्ण उसमें से 20 हुए तो बच गए कितने 9। ये 9 क्या है, अनुत्तीर्ण लोग हैं। ये मेरा आंसर हो जाता। दोबारा बता देता हूँ, दो तरह की चीज़ें उसने पूछ ली हैं आपसे और उसमें पूछा क्या है, मोहन प्रताप का स्थान अपनी कक्षा में प्रारंभ से 13वां और अंतिम से 17वां है, और जब एक ही आदमी का स्थान आगे से और पीछे से दे दिया जाए तो हम उसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर उत्तर आया 17 प्लस 13 माइनस 1 करेंगे क्योंकि 17 में भी मोहन प्रताप जुड़ा हुआ है और 13 में भी जुड़ा हुआ है, तो एक घटाएंगे तो उत्तर आएगा मेरा 29। ये मेरे पास आ गए कुल। कुल का मतलब कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, क्लास में कितने विद्यार्थी थे। उसके बाद कहता है यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की लिस्ट में उसका नंबर देखें तो प्रारंभ से तो 8वां है उसी आदमी का स्थान और अंत से कितना है 13वां। अब 8 में भी उत्तीर्ण वाले में भी वो है और 13 में भी वो है, माइनस 1 करेंगे तो उत्तर आएगा 13 और 8 21 माइनस 1 20। ये आ गए उत्तीर्ण कुल जो हुए, कुल में से जो उत्तीर्ण हुए वो। अब पूछते हैं अनुत्तीर्ण कितने हैं, फेल कितने हो गए, तो 29 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा उत्तर 9। ये क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। ये मेरा आंसर होगा। और यदि ऑप्शन मुझे दे रखे हैं तो ये एक नंबर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे कहता है कि हो सकता है आपको पता नहीं तो यहाँ ऑप्शन दिया था 9, 8, 7, निर्धारित नहीं कर सकते, तथ्य अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता या कांट बी डिटरमाइन। उत्तर देना भी एक आर्ट है, एक कला है। कई बार क्या होता है कि हमारा उत्तर 9 होता है और 9 के अलावा वो यहाँ पर 6 दे देगा और पांचवा ऑप्शन दे देगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मैं समझा देता हूँ, हालांकि मेरा उत्तर 9 ही था, इसमें 9 मेरा आंसर था, लेकिन अब मेरा उत्तर 9 आया तो कुछ लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, ये गलत है। निर्धारित तो आप तब नहीं कर सकते जब आंकड़े आपके पास पूरा ना हो, डाटा आपके पास पूरा ना हो, आप उत्तर निकालने में असमर्थ हो, तब आप आंकड़े अधूरे, कांट बी डिटरमाइन, तथ्य अधूरे हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जब आपके पास उत्तर आ गया, क्लियर उत्तर आ गया 9, और अब मैं इसको मैं फाइंड आउट करता हूं तो मेरे को कहीं नहीं मिलता, तो मेरा आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। उत्तर तो मेरा आ गया लेकिन आपने एक ऑप्शन में भी नहीं दिया, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं रखा उसे, तीसरे में भी नहीं रखा, चौथे में भी नहीं रखा, इनमें से किसी में भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन चीज़ों पर भी गौर करना। अगले सवाल पर हम चलते हैं जिसमें लिखा है एक पंक्ति में अग्रिम का स्थान। ये अग्रिम से नहीं बताया गया है, अग्रिम किसी व्यक्ति का नाम है। एक पंक्ति में अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां है, वह रुद्र का स्थान दाएं से 8वां है, उनके मध्य 5 व्यक्ति हैं और पंक्ति में अधिकतम लोगों की संख्या बतानी है। इसमें न्यूनतम भी पूछ सकता है और कई बार न्यूनतम के ही ऑप्शन होते हैं, अधिकतम के नहीं होते, या कई बार वो सीधा सीधा अधिकतम डिमांड कर देता है, बोलकर बता देता है। इसलिए मैं कहता हूँ ऑप्शन को देखकर चलना। यहाँ उसने अधिकतम पूछे हैं, अधिकतम कैसे आएंगे और न्यूनतम कैसे आएंगे मैं आपको दोनों ही बात बता देता हूँ, और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो भी बता देता हूँ। एक पंक्ति में अग्रिम का स्थान बाएं से, ये लाइन खींच दी, और अग्रिम का स्थान बाएं से इधर से कहीं अग्रिम मेरे को 8वां मिला बाएं से, इसका मतलब मैंने इस छोर से, इस पॉइंट से बाईं तरफ से 1, 2, 3 गिनना शुरू किया, 8वां मुझे अग्रिम मिल गया 7 लोगों को छोड़कर। ये मुझे पता होना चाहिए 7 लोगों को छोड़ने पर 8वां अग्रिम है। रुद्र का स्थान दाएं से 8वां है,
मुझे कहीं ना कहीं रुद्र को जहां पर भी लाना पड़ेगा, इधर से आठवां है, मैं इसमें ओवरलैप नहीं कर सकता इसको। ओवरलैप अगर आपने कर दिया तो न्यूनतम संख्या आएगी हमेशा, कम लोग आएंगे हमेशा, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। याद रखना, यदि आपने कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ओवरलैप कर दिया, अग्रिम को क्रॉस कर इन लोगों में जगह बनाने की कोशिश की जो सात थे, तो लोगों की संख्या न्यूनतम ही आएगी, कम से कम आएगी, कम होने के बाद आएगी। लेकिन उसने मुझे कहा कि मुझे तो अधिकतम चाहिए, और अधिकतम चाहिए तो, और बीच में संख्या कितनी है लोगों की, उनके मध्य पांच व्यक्ति हैं, तो पांच व्यक्ति यहाँ है और यहाँ आ जाएगा आपका रुद्र जो इधर से आठवां है, यानी कि आठ और आठ 16, 5, 23 लोग इसमें अधिकतम से अधिकतम बनाए जा सकते हैं। कब? जब दोनों के बीच पांच लोग होंगे। अगर मैं न्यूनतम की बात करता तो वह भी बताऊंगा, पहले इस कंसेप्ट को समझ लें, बड़ी बारीक बात है, धोखा हो जाता है कई बार, ऑप्शन देखने के टाइम भी नहीं मिलता हमें और गलत कर देते हैं। तो देखें, उसने डिमांड की अधिकतम व्यक्तियों की। अधिकतम व्यक्ति तभी हो सकते हैं जब दोनों को अलग अलग दूर दूर रखा जाए और उन दोनों के मध्य में पाँच लोग बैठाए जाएँ। तो आठ पाँच 21 लोग इसमें क्या हैं, कुल है। कैसे? 8 और 8, 16, 5, 21, या 8, 5, 13, 8, 21, 8, 5, 13, 8, 21, कैसे भी कर सकते, मुझे जोड़ने ही थे। तो अधिकतम अगर पूछ लिया जाए तो 21 है, लेकिन अगर वो न्यूनतम पूछ लेता तो, न्यूनतम भी तो पूछ सकता है, कम से कम चाहिए उसको, बीच में पांच ही लोग, ये भी बात होनी चाहिए। सारी जो वो बातें कहें, सारी जो कंडीशन वो कहता है वो फुलफिल होनी चाहिए, पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए हर एक चीज़, और उसके बाद आपको सही आंसर बताना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ये एक का फ़र्क बहुत बार आ जाता है बच्चों से, एक्यूरेट आंसर नहीं आता, विद एक्यूरेसी नहीं आता है। तो अब मैं यहाँ बनाकर बता देता हूँ कि बाएं से अग्रिम को अगर मैं बैठा दूँ आठवें नंबर पर, तो मैंने बैठा दिया, इधर कितने लोग हैं जी, सात, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इधर से रुद्र और न्यूनतम के लिए अगर आप बीच में पांच रखेंगे, इधर रुद्र को रखेंगे तो अधिकतम आएंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा। ओवरलैप का मतलब इस साइड में घुसना पड़ेगा मुझे सात लोगों में। तो कहने का मतलब, ये आठवां है, इधर सात लोग हैं, तो जैसे इधर के दो लोग मैं छोड़ दूँ तो बीच में कितने मिलेंगे मुझे, पाँच नहीं मिलेंगे क्या, पाँच लोग मिलेंगे मुझे। देखिए, 2 और 5, 7 और 1, 8, इधर से ये आठवां है, इधर से आठवां है, तो मुझे पता होना चाहिए। कहने का मतलब, यहाँ दो व्यक्ति हैं और यहाँ पांच हैं, और पांच मुझे दोनों के मध्य छोड़ने हैं, अग्रिम के भी और रुद्र के भी। रुद्र को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा इधर से, और वो इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि न्यूनतम पूछे हैं, और न्यूनतम तभी बता सकता हूँ जब ओवरलैप करवा दिया जाए। पहले तो सेटलमेंट बैठाते हैं इसका, कि ये तो एक, रुद्र आ गया दो, 2 और 5, 7 और 1, 8, बाएं से तो ये आठवां ही है, ये इधर से आठवां कैसे करें, तो एक, एक और अग्रिम 2, 5, 7 और 1, 8, टोटल कितने हो गए, 1, 2, 2 और 5, 7, 7 और 1, 8 और 1, 9, कुल लोग हो गए 9। अगर आपको पूछा जाए न्यूनतम, तो न्यूनतम की वैल्यू क्या आएगी, 9, और अधिकतम पूछे जाए इस कंसेप्ट पे जैसे कि बातें उसने बताई हैं, तो अधिकतम 21 आएंगे और न्यूनतम कितने आएंगे, 9 आएंगे। कैसे आएंगे, अग्रिम को मैंने आठवां बना लिया, पांच लोग बीच में होने चाहिए, इधर रहेंगे, रुद्र इधर रहेगा, अधिकतम आएंगे। ओवरलैप ही मेरे पास एक ऑप्शन था जिससे कम से कम न्यूनतम लोग मैं ला सकता था, कम से कम भी बोल सकता है, तो मुझे इसको ओवरलैप करना था। ओवरलैप के लिए मुझे पांच लोग बीच में चाहिए, तो मैंने यहाँ कम किए, सात ही लोग थे, मुझे पता था पांच लोग मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो यहाँ दो लोग रहेंगे, 1, 2, 5, 7 और 1, 8, बिल्कुल सही है यहाँ पे। और इधर से अगर मैं काउंट करूँ तो 1 और 5, 6 और 1, 7वां ही हुआ, तो मैंने 1 यहाँ और लगा दिया क्योंकि मुझे इधर से आठवां चाहिए, 1, 2, 5, 7 और 1, 8 और 1, 9, कुल लोग कितने हो गए मेरे पास, 9।
तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, कंसेप्ट वाइज आप तैयार रहें। आगे और सवाल देखते हैं दोस्तों। लास्ट टाइप जो रैंकिंग का बचा है वो यही बचा है कि दो लोग जब आपस में अपना स्थान बदलते हैं तब किस तरीके से आंसर हम लाएंगे। और एग्ज़ाम्स का सेट पैटर्न का बिल्कुल पैट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है क्योंकि इस पर बहुत बड़े सवाल तैयार किए जा सकते हैं और कई सवाल इस पर बन सकते हैं। सवाल क्या क्या बनेंगे एक बार मैं बता देता हूँ। छात्राओं की एक पंक्ति में जाह्नवी का स्थान बाएं से 16वां एवं दाएं से अनुराधा का स्थान 18वां है। दो लोग लिए, पहले भी ले सकता था कि बाएं से बता दिया दाएं से बता दिया, या तो उनके मध्य लोग पूछे जाते या होते अधिकतम या न्यूनतम, जिस तरह का भी सवाल था हम उसको सेट कर सकते थे। लेकिन कहता है परस्पर अब वे दोनों स्थान बदल लेते हैं, आपस में स्थान बदल लेते हैं। एक पंक्ति में जाह्नवी का स्थान बाएं से 16वां है, वो उठकर अनुराधा के स्थान पर चली जाती है और अनुराधा अपना स्थान चेंज करके जाह्नवी के स्थान पर आ जाती है। अगर ऐसा कर लिया जाए तो अनुराधा दाएं से 25वें स्थान पर हो जाती है। एक क्लू, एक हिंट आपके लिए बताया गया कि स्थान बदलने के पश्चात अनुराधा दाएं से 25वीं हो जाती है। और इस पे जो सवाल बनेंगे वो ये बनेंगे। पहला सवाल ये बन सकता है कुल छात्राएं बताइए, यानी कि कुल का क्वेश्चन आ सकता है, कुल व्यक्ति, कुल लोग, पंक्ति में कितने लोग हैं, वर्ग में कितने लोग हैं, पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है दोनों के मध्य कितनी छात्राएं हैं, कितनी छात्राएं हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। और अगला जो सवाल हो सकता है थर्ड का, वो ये हो सकता है कि जाह्नवी का अब बाएं से स्थान बताइए, क्योंकि उसने स्थान चेंज कर लिया होगा, बाएं से स्थान। चौथा सवाल ये हो सकता है कि अनुराधा का अब दाएं से स्थान बताइए। तो ये चार सवाल बनते हैं और इसीलिए एग्जाम का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करेंगे। हालांकि मैं सीधा सीधा बता सकता हूं आपको, सीधा सीधा मैं आपको अगर कहूं कि इसमें अगर कुल पूछने होंगे तो मैं यूं कह सकता हूं कि 16 को जोड़ लिया या 18 को या 25 को, मैं जोड़कर उत्तर बता सकता हूँ। 16 और 25 41, 40 लोग आएंगे इसमें कुल। कुल लोग कितने होंगे? 40। और अगर मेरे से पूछा जाता कि दोनों के मध्य कितनी छात्राएं हैं तो मैं कहता मध्य में 6 छात्राएं हैं। और मुझे किसी का भी स्थान पूछ लिया जाता तो हालांकि अनुराधा का तो स्थान मेरे को बता ही गया है। हाँ, तीसरा सवाल यही हो सकता था कि एक जो बच जाए उसका स्थान पूछ लिया जाए तो मैं कह सकता था कि इसका स्थान 23वां आता। बस इतनी सी ही बात थी। लेकिन ये काम हुआ कैसे, क्या सोच थी इसके पीछे, क्या ट्रिक काम कर गई? एग्जाम में अगर इतना लेंथी क्वेश्चन आ जाए, बनाने बैठोगे तो बनेगा नहीं। हालांकि मैं बना के दिखाऊंगा आपको, लेकिन जब एग्जाम में आए तो ट्रिक्स भी आपको काम में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। टाइम लगाने के लिए नहीं है आपके पास, वैज्ञानिक नहीं बनना आपको वहाँ पर, कोई खोज नहीं करनी है वहाँ पे कि मैं इसका उत्तर निकालूंगा और ऐसे निकालूंगा। जब आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता हो तो जल्दी से उत्तर को ख़त्म कीजिए। लेकिन मैं पहले इसका कंसेप्ट भी बताऊँगा और ट्रिक भी बताऊँगा। पहली बात ये कि जब परस्पर स्थान चेंज करने की बात आ जाए तो अगर कुल पूछ लिए जाए, कुल, तो आपको करना क्या है, एक व्यक्ति का नया स्थान और एक व्यक्ति का पुराना स्थान। दो व्यक्ति हैं, एक का नया स्थान उसने बताया होगा। किसका बताया है? क्या जाह्नवी जो पहले 16 नंबर पे थी स्थान बदलने के बाद, किसका बताया? अनुराधा का। तो कहने का मतलब अनुराधा 25वीं हो गई, पहले अनुराधा कितनी थी? 18वीं। तो एक का तो पुराना स्थान जिसका चेंज नहीं हुआ, कौन है वो? जाह्नवी, प्लस एक का नया स्थान 25, और जब कुल निकालते हैं तो -1, क्योंकि ये लोग जो चेंज करेंगे वो दो स्थान पे चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं 25 की और 16 की, तो मुझे पता है 18 पे भी अनुराधा है और 25 पे भी अनुराधा है, जुड़ तो उसी में रही है,
तो माइनस वन, जान भी एक बार ही काउंट हो रही है, लेकिन इस 25 में 18 और 25 की वजह से अनुराधा दो बार काउंट हो जाती है, तो माइनस वन किया तो मेरे पास उत्तर आया 25 और 16 41 माइनस 40। एक का, एक व्यक्ति का पुराना स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का नया स्थान, दूसरे का नया स्थान माइनस वन, ये ट्रिक यहाँ काम करती है। और इस ट्रिक को सीधा सीधा समझने के लिए आपको सिर्फ यही करना है कि एक व्यक्ति का स्थान वही पड़ा रहेगा जो पहले था, एक का चेंज करने के बाद बताएगा कि अब उसका नया स्थान क्या हो गया है, तो एक व्यक्ति का पुराना स्थान दूसरे का नया स्थान जिसका भी बदल कर बताया गया, दोनों को जोड़ने के बाद एक कम कर दें तो आपके पास उत्तर आएगा 40। अब अगर आपको पूछ लिया जाए दोनों के मध्य, तो पहले आप ये देखें कि जो अनुराधा 18वीं थी अब उसके स्थान में घटा है कि बढ़ा है, ये बताएं आप। तो कितना घटा या बढ़ा, मुझे पता है 7 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 7 बढ़ा है। और लोगों के मध्य लोग बताने हों, दोनों के मध्य लोग बताने हों, तो मैंने अभी अभी आपको बताया, पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बताया, जितने स्थान की छलांग लगाई जाती है 18, 7, 25, तो जितने स्थान की छलांग लगाई जाती है उससे एक कम उनके बीच लोग होते हैं, तो लोग 7 में से एक कम होने पर कितने आ गए? 6 आ गए। और जाह्नवी का अब बाएं से स्थान बताइए, तो अब आपको ये देखना है कि जब इसके स्थान में बढ़ा है तो इसके स्थान में भी बढ़ेगा, कितना बढ़ा है उतना ही बढ़ेगा। अगर इसमें वो कम करके बता देता तो मैं यहाँ कम करता, आई बात समझ में? बाकी बात सेम रहती, एक व्यक्ति का पुराना स्थान, एक का नया स्थान, माइनस वन कुल आता, और देखता मैं एक का नया स्थान बताया है, पुराना स्थान ये है, नया ये है, कितने स्थान की चेंजिंग हुई? 7 की, माइनस वन करते ही कुल में से, माइनस वन करते ही मध्य लोग आ जाएंगे यानी कि 6 आ गए। और अब किसी का स्थान पूछ लिया जाए तो मैंने देखा यहाँ बढ़ा है 7, तो इसमें भी बढ़ा देंगे, 16 और 7 23, यहाँ आ जाता मेरे पास उत्तर 23वां। खत्म हो गया सवाल। अब हुआ कैसे ये मैं बता देता हूँ आपको। ये लीजिए ये लाइन, और मेरे को कहता है जाह्नवी का स्थान बाएं से 16 है, बाएं से इधर से कहीं जाह्नवी 16 नंबर पर है, उधर से अनुराधा 18वें स्थान पर है, पता नहीं ओवरलैप करेगी, दूर रहेगी, मुझे अभी पता नहीं है, हालांकि इसमें मैंने सारी चीज़ बताई, लेकिन अभी पता नहीं दाएं से 16वें वो दूर रहेगी, नज़दीक आएगी या ओवरलैप कर जाएगी, कितना ओवरलैप कर जाएगी मुझे पता नहीं है। लेकिन जब वो ये कहता है अनुराधा का स्थान 18वां है, परस्पर स्थान बदलने के बाद अनुराधा दाएं से कितनी हो जाती है? 25वीं। एक बात बताएं, जब इधर से कोई आदमी 18 होगा और वो 25 होने के लिए क्या करेगा? भाई 18 है और आपस में स्थान चेंज करेंगे तब बीच में तो लोग हैं ही, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। गौर कीजिए इस बात को कि जाह्नवी बाएं से 16वीं है लेकिन अनुराधा दाएं से 18वीं है। मान लो मैं ओवरलैप करवा देता, अनुराधा को ओवरलैप करवा देता और अब स्थान चेंज करती वो, तो दाएं से कम नहीं आएगा क्या ये स्थान? ये तो दाएं से कम आएगा क्योंकि इधर तो बढ़ाकर बताया, ओवरलैप कर गई, और दाएं से गिनूंगा तो यहां पे अगर वो इसका स्थान, इसके साथ स्थान चेंज करेगी तो यहां उत्तर कम आएगा। इसका मतलब तब मुझे पता लगा कि जो अनुराधा है वो दाएं से दूरी पर है, क्योंकि जब स्थान में बढ़ोतरी होती है तो दूर, स्थान में कटौती होगी तो ओवरलैप। ये भी बात मैंने आपको पहले बताई है, क्योंकि जब आपको कम उत्तर चाहिए तो ओवरलैप, और जब ज़्यादा उत्तर चाहिए तो दोनों में गैप रहेगा। और वो कहता है अनुराधा 18वीं है और दोनों आपस में स्थान चेंज करते हैं, ये इसके स्थान पर चली जाती है, ये इसके स्थान पर चली जाती है, तो एक का जो स्थान चेंज करके बताया है वो अनुराधा का बताया है, और क्या स्थान बताया है? 18 के बाद 25 आ गया, इसका मतलब 7 स्थान की छलांग लगाई गई, इसका मतलब उनमें से एक कम, 6 लोग बीच में हैं, 18, 6, 24 और 1,
25, अब 25वीं यहाँ हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ जितने स्थान की छलांग लगाई गई 7 की, उसमें से एक कम यानी कि 6 बीच में लोग हैं। ये बीच में लोग मैंने इसी प्रकार से बताए थे आपको। और अगर मुझसे अब पूछ लिया जाए कि जाह्नवी का बाएं से स्थान बताइए, तो 16 और 7 23, क्योंकि ये गैप तो उतना ही है, दोनों ने आपस में जगह चेंज करी है, तो ये जितनी इधर आएगी ये उतनी ही जाएगी। तो यही कंसेप्ट इसके बीच में काम करता है। और फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ ये 25वीं है, इधर से 25वीं हो गई, तो मुझे पता है इधर 15 लोग हैं, इधर 25, इस छोर से आने पर 25 हो गए, इधर 15 लोग थे क्योंकि 16 है, इसीलिए 40 उत्तर बताया था। या फिर जहाँ पर दोनों इकट्ठे हो जाएं 25 और 16, दोनों को जोड़ लो, 25 और 16 41, माइनस 1 करेंगे 40। तो उत्तर इस प्रकार से बताया था। ओवरलैप करके भी आ सकता है, कंडीशन यही बनेगी, ओवरलैप में कम आएंगे। मान लो यहाँ पर वो आपसे कह देता, इसी पर एक सवाल बना देते हैं, 18 ही थी और अब यहाँ पर वो 14 हो जाती है, बात ख़त्म हो गई। उत्तर निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया क्यों दूर है, कैसे मैंने पता लगाया, क्योंकि अनुराधा के स्थान पहले 18 में बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी का मतलब दूर है, ओवरलैप कर जाता तो पीछे आना पड़ता, और पीछे आना पड़ता तो दाएं से स्थान घटता। अब जैसा यहाँ हुआ है अब घटेगा, अब मुझे क्या करना है, हालांकि मेरे पास ट्रिक है, ट्रिक को दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। जाह्नवी का स्थान बाएं से 16 है, एक का पुराना स्थान 16 प्लस एक का नया स्थान 14 माइनस 1, कितना आया उत्तर आएगा 29। अब जब अनुराधा 18वें स्थान पर है, परस्पर स्थान बदलने के बाद अब वो कितने नंबर पे हो जाती है, 14, यानी कि अब घटा है, और जब घटता है तो न्यूनतम आंसर आता है। ये तो था कुल, दोनों के मध्य लोग पूछ लिए जाएं तो मुझे पता है 18 से 14 हो गई, 4 स्थान अभी जंप किया गया है, 18 में से माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा, यानी कि 4 स्थान की छलांग लगाई गई है एक दूसरे की तरफ, तो माइनस 1 करते ही 3 लोग होंगे मध्य में, मध्य में कितने लोग होंगे 3। और अब मेरे को जाह्नवी का स्थान पूछ लिया जाता जो कि पहले 23वां था, अब क्या करना है मुझे, कितना स्थान कम या ज़्यादा हुआ है, 4, ज़्यादा हुआ कि कम, कम, इसमें से भी कम कर दो, कितना आया आंसर 14, जाह्नवी का स्थान अब आएगा 14 नंबर पर। तो दोस्तों इसी तरीके से काम करना था, समझ में आ गई होगी बात, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, जहां पर हम आयु से संबंधित सवाल करेंगे, कोई उम्र में बड़ा है, कोई किसी से छोटा है, ऑर्डर वाले काम करेंगे जिसमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ए टू जेड, जेड टू ए, यानी ए टू जेड, 0 to 9, जेड टू ए यानी 9 to 0, कई बार संख्या के क्रम जचाने के बाद पलटना भी पड़ सकता है, और उसके बाद आपको आरोही क्रम से, अवरोही क्रम से, मध्य में, अवरोही क्रम में पहला, अवरोही क्रम में दूसरा, या आरोही क्रम से पहला, आरोही क्रम से दूसरा, आरोही क्रम में सबसे नीचे, अवरोही क्रम में सबसे नीचे, बहुत टाइप के सवाल बनते हैं। बस हल्का हल्का सा एक कंसेप्ट है, अगर उनको आप पढ़ते चलें, एग्ज़ाम में रीजनिंग कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना आसान आप इसको बनाकर चल रहे हैं उतना आसान भी ये नहीं है। वेटेज बहुत हैवी रहता है रीजनिंग का, सबसे ज़्यादा लोग रीजनिंग को अटैम्प्ट करते हैं और रीजनिंग में आंसर गलत हो जाता है, किस वजह से, हल्का सा कंसेप्ट 19-20 होने से, इधर से उधर सोचने में फ़र्क आ जाए, सही सोच अगर नहीं लगा पाए, सही अप्रोच अगर नहीं लगा पाए। तो अच्छे अच्छे सवाल आज हमने किए, एग्ज़ाम में बहुत बार देखे गए हैं, और इस तरह का पैटर्न बहुत बार आया है। तो जो सवाल मैंने आपको करवाए, दोबारा वीडियो को देखना, आज का वीडियो यहीं तक था, आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं, अगली बात हम अगले वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे होम स्टे सेफ़।